उन्होंने इसको कर दिया है, इनॉग्रेशन हो गया है कल से अपने कानपुर वासियों के लिए। ये मेट्रो उनके सफ़र गंतव्य करने के लिए तैयार रहेगी। अभी इसमें अगर आपको बताते चलें कि इसमें अभी टिकट का जो भी प्रावधान दिया गया है, तो अभी ई टिकटिंग जारी कर रहे हैं, और जिसमें कि एक बार कोड का मैटर रहेगा, आपको टिकट लेना पड़ेगा, और जब बार कोड को आप वहाँ पे उसके चैनल पे जो उसका सेंसर है वहाँ पे आप उसको टच कराएंगे तो आप अंदर जा सकते हैं, और कोई भी अंदर बिना टिकट के कोई भी वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे नहीं जा पाएगा। और टिकट की कॉस्ट भी एक 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक अभी रखी गई है, कि अगर आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है तो उसके लिए जो कॉस्टिंग रखी गई है वो 10 रुपये पर स्टेशन की रखी गई है। अगर किसी को 2 स्टेशन जाना है तो उसके लिए 20 है, और किसी को अगर 2 से ज़्यादा स्टेशन पे जाना है तो अभी मैक्सिमम जो हमारा जो किराया उसका रखा गया है वो 30 रुपये रखा गया है। अगर बात करें कि हम अगर IIT से लेकर अगर मोती झील तक का सफ़र अगर तय करते हैं तो हमारे लिए 30 रुपये हमारे खर्च होंगे, और हम IIT से लेकर मोती झील का सफ़र कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सारी चीज़ें की जो व्यवस्था है, हमारा जो भी पेमेंट का या गेटवे जो बनाया गया है, इसमें हमारे SBI को लिंकअप किया गया है। ये SBI की तरफ से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, और आने वाले समय में एक कार्ड बना दिया जाएगा जिसको आपको रिचार्ज करने पे 10% की आपको ऑलरेडी, जब भी आप सफ़र करेंगे तो 10% की आपको उसमें छूट भी मिलेगी। तो ये जो चीज़ें आज की डेट में हमारे कानपुर वासियों के लिए जो सौगात दी जा रही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि हमारे कानपुर वासियों के लिए कानपुर मेट्रो की एक नई शुरुआत हो गई है। कल से ये आपके लिए हर तरह से कहीं पे भी जाने के लिए तत्पर रहेगी, आप इसमें अपना सफ़र कर सकते हैं। और आज जो प्रधानमंत्री जी ने मतलब और भी योजनाओं का जो शुभारम्भ किया हुआ है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ नई नई चीज़ें हम लोग को अपने UP वालों को मिली है, और उसका सारा जो मद्देनज़र उसको देखा जा रहा है। तो इसमें जो आने वाले चुनाव को एक बीच में कड़ी रख के जोड़ी जा रही है, कि जिस तरह से ये इनॉग्रेशन या इस तरह के शिलान्यास या कोई भी नई चीज़ों की चीज़ें जो कर रहे हैं, तो इससे उनके आगे के लिए वोट बैंक जो है उनका एक तरीके से पक्का होता चला जा रहा है। तो ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में हमारा एक बार फिर से BJP सरकार आएगी, और योगी जी हमारे जो प्रधानमंत्री जो हमारे योगी जी हैं और सॉरी मोदी जी जो हैं, तो वो फिर से एक बार फिर से आगे के लिए कंटिन्यू उनको शासन मिलेगा, और आने वाले समय में आपके यूपी में ऐसी ऐसी चीज़ें की सौगात मिलने लग जाएगी जो कभी किसी ने सोची नहीं थी।